नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने जाबाज हीरो अभिनंदन को जैसे ही भारत ने वीर चक्र से सम्मानित किया, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। आखिरकार भारत अपने किसी ग्रुप कैप्टन को यदि सम्मानित करता है तो इसमें पाकिस्तान को भला क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान को मिर्ची लगने का कारण है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसका साथ देता है, क्योंकि उससे दोनों के हित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उस दौर को समझिए जब 14 फरवरी को पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ, जिसमें कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इसके बाद 26 फरवरी को बालाकोट में घुस करके भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक को ही डिस्प्यूटेड करने की कोशिश की, उसके बाद बदले में 27 फरवरी को उसने भारत में घुस के हमला करने की कोशिश की थी। भारत के मिराज और मीग समेत तमाम रक्षा कर रहे थे भारत के। रडार पे जब देखा गया तो पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं लड़ाकू विमान। तभी अभिनंदन, जो कि मीग 21 संभाल रहे थे, उन्होंने कहा और उन्होंने जो है पाकिस्तान के F-16 को निशाने पे लिया और मिसाइल दाग दी। लेकिन एक मिसाइल उनको भी आकर के लगी और नतीजा ये हुआ कि दोनों जाकर के पाकिस्तान में गिरे थे। पाकिस्तान का पायलट F-16 भी इजेक्ट कर गया था और अब ग्रुप कैप्टन, तब विंग कमांडर थे अभिनंदन, भी इजेक्ट होकर के निकल गए थे। हाथ में पिस्टल थी और जितने भी सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने पानी में डाल दिया था। पाकिस्तान ने उनको बंदी बना लिया, वो तस्वीर सबको याद है। इसके बाद 1 मार्च को, यानी कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को दबाव में छोड़ना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने आज तक ये मान करके क्यों नहीं दिया कि F-16 भारत ने मार गिराया। इसके पीछे की 2 वजह है। पहली वजह ये कि अमेरिका से जिस समझौते के तहत पाकिस्तान को F-16 मिला है, उसके मुताबिक वो F-16 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में या युद्ध में। उसको दूसरे मकसद से वो मिला है। उसमें दूसरा प्रोविज़न ये है कि अमेरिका समय समय पर ही निरीक्षण करेगा कि जितने भी उसने F-16 लड़ाकू विमान दिए हैं वो वहाँ मौजूद है कि नहीं है। जब भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किया, तो इसका पूरी दुनिया में संदेश गया कि MiG-21 ने F-16 को मार गिराया। अमेरिका को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसके किसी जेट को, लड़ाकू विमान को MiG-21 से, जो कि पुराने, आप कह सकते हैं पुराने ज़माने के हो गए, वो मार गिराया। ये कैसे भला अमेरिका को अच्छा लगेगा? तो पाकिस्तान का चूंकि पायलट वहाँ पे इजेक्ट हुआ था और वो सक्सेसफुल बचा लिया गया था, लिहाजा पाकिस्तान ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और अमेरिका ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। और जब भी कुछ गोल मटोल बोला तो यही बोला कि वहाँ पे सब सुरक्षित है, यानी कि उसके जितने भी F-16 है। लेकिन जब हमारी तीनों सेनाओं ने अगले दिन 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे एमराम, जो कि F-16 से ही जो है दागा जा सकता था। एक बात एकदम क्लियर कट है कि जो एमराम मिसाइल दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ F-16 से ही दागा जा सकता था। तो भारत ने यह साबित कर दिया था कि F-16 का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, लेकिन इस बात को ना तो पाकिस्तान ने माना और ना अमेरिका ने कभी इस पर क्लियर कट स्टैंड लिया। अमेरिका लेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में थूथ हो जाएगी। और पाकिस्तान इसलिए नहीं लेगा कि उसने आज तक ये स्वीकार ही नहीं किया कि उसके F-16 को भारत ने मार गिराया है। इसीलिए जैसे ही अभिनंदन को सम्मानित किया गया, वीर चक्र दिया गया, वैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत खुद ही अपना मखौल उड़ा रहा है। इससे बड़ा फेब्रिकेशन का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इसका खंडन, पाकिस्तान की इसकी निंदा इसलिए भी करनी थी कि उसे एक औपचारिकता निभानी है, उसे स्वीकार नहीं करना है कि उसका F-16 मार गिराया गया था। ये है पाकिस्तान की मजबूरी। वो एमराम मिसाइल को आप देखेंगे, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इस मिसाइल को सिर्फ F-16 से ही दागा जा सकता है। तो ये है वो हकीकत जिसको पाकिस्तान भी छिपाना चाहता है और अमेरिका भी छिपाना चाहता है। फिर पाकिस्तान दुनिया को क्या बताएगा कि 26 फरवरी 2019 को भारत ने जो बालाकोट में कार्रवाई की थी, उसके रिटेलिएशन में जो उसने किया था, उसमें वो मात खा गया था? ये दुनिया को बताएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो तैयारी करके आए थे, इसके बावजूद उसके सैन्य ठिकानों, यानी भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करना चाहते थे और कर नहीं पाए थे क्योंकि भारत मुस्तैद था। और
MiG-21 से ही तुम्हारे F-16 को मार गिराया था। ये है पाकिस्तान की मजबूरी। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।